एक्सनेट की रीजनल मैनेजर नरेंद्र शर्मा जी से शून्यकाल में हम बातचीत कर रहे हैं बालकों के अधिकार और उनके संरक्षण को लेकर के। नरेंद्र जी, बच्चों के क्या मुद्दे हैं? अगर हम यूनाइटेड नेशन का 1989 का कन्वेंशन देखें तो उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि वो कन्वेंशन था जिसे हम UNCRRC के नाम से जानते हैं, और उस कन्वेंशन में उन्होंने करीब चार बेसिक राइट्स को, बच्चों के बेसिक राइट्स को उन्होंने क्लेरिफाई किया था। और उन्होंने बताया था कि एक उनके सर्वाइवल का राइट है, दूसरा राइट उनका पार्टिसिपेशन का है, तीसरा राइट उनके संरक्षण का है, और एक राइट जो उन्होंने बताया था कि उनके डेवलपमेंट का, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन के आस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट उन्होंने बोली थी कि सर्वाइवल में अगर आप देखिएगा कि अगर बच्चे का सर्वाइवल ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से उसके डेवलपमेंट पर असर पड़ने वाला है। एक्शनएड के जितने भी अनुभव रहे हैं उनमें कुपोषण एक बड़ी समस्या के रूप में रहा है, और हमने देखा है कि शिवपुरी, बारां, अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों क्षेत्रों में देखें तो ये जो पूरा बेल्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश और जो सीमा लगती हुई है राजस्थान से, ये पूरे क्षेत्र में बच्चों का भूख और कुपोषण का स्थिति है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे राज्य के स्तर पे देखें तो कुपोषण का स्तर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अगर हम देश के स्तर पे देखें तो हमारा देश का स्तर भी उस पूरी परिस्थितियों में नेगेटिव ही है। अगर आप देखें तो हम लोग कुपोषण को अभी हरा नहीं पा रहे हैं। तो अगर मोटा मोटी देखें तो 70% के आजू बाजू ट्राइबल में पाया जाता है, और उसमें भी सहेरिया समुदाय को अगर हम देखें तो एक जबलपुर की रिपोर्ट बोलती है कि ये आंकड़ा करीब 94% है। किसी भी समाज में अगर 94% कुपोषण का स्तर हो तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है, और जो सहेलिया में दिखाई भी देती है, बहुत सारे बच्चों का मौत भी हुआ है। ये दोनों क्षेत्रों में हुआ है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, और इसके अलावा भी देश के अगर और कोनों में देखें हम, अगर आपका उड़ीसा में देखें तो ये चीज़ और भी ज़्यादा भयावह दिखाई देती है। खैर, अभी अगर इस पर ही बात करें तो ये एक स्थिति है जिसके साथ उभरना चाहिए हमें। और हम लोगों ने एक प्लान किया कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर अगेंस्ट द मैलन्यूट्रिशन, वो हम लोगों ने शुरू करे, और उसके बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिले। तो हमें लगता है कि अगर सरकार कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले तो ये एक बहुत अच्छा बात हो सकता है। और सरकार के साथ एक्शन एड ने भी कई सारी जगह काम किया और बड़े अच्छे रिजल्ट भी इसके मिले हैं, जो अगर आप बुंदेलखंड के एरिया में देखें तो वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दूसरा जो बच्चों के मुद्दे पे बड़ा बात है, जो संरक्षण का बात है, वो है कि अगर हम अभी देखें तो तीन आंकड़े मैं आपको रखना चाहता हूँ। तीन आंकड़ों में मोटे तौर पे एक आंकड़ा है कि करीब 51% राजस्थान में चाइल्ड मैरिज का एक आंकड़ा है। जब 21 साल से बड़े उम्र के बच्चों का, लड़कियों का, शादीशुदा लड़कियों का एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी। ये अपने आप में भयावह स्थिति है। और 51% माने हमारा आधा जो बच्चा है, अगर हमारे 44% कुल बच्चे हैं तो उनमें उसका आधा लगभग वो ये है चाइल्ड मैरिज। हमें ये लगता है, जिसको गंभीरता से लेना चाहिए, कि हमने ये मैप करने का कोशिश करा कि कौन से समुदायों के साथ में ये सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज है। तो हमने देखा ये वो समुदाय हैं जो बहुत ही वंचित तबके से हैं, जैसे DNT जो नोमेडिक है, घुमंतु हैं, उनके बच्चों के साथ चाइल्ड मैरिज बहुत हो रही है। उन लोगों के साथ भी बहुत सारी हो रही है जो पैट्रियार्कल सोच का परिवार है, तो वो बच्चे को ये मानते हैं कि अगर उन्होंने उसको एक उम्र के बाद, मतलब 12, 13, 14 साल की उम्र के बाद अगर लड़की की शादी की, और तो वो एक डर के कारण उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उनके बच्चे के साथ क्या हो जाए, और वो मानते हैं कि जो माहवारी स्टार्ट होती है उससे पहले पहले बच्चे की शादी तय कर दें और बच्चे को शादीशुदा कर दें। तो इट मीन कि अगर कोई भी होने वाला रिस्क है जो समाज में ही होता है तो उससे वो बचना चाहते हैं। तो ये तो सोच का बात है, इसके माने हमें सोच पे ज़्यादा बात करना चाहिए। तो एक ये हिस्सा है। दूसरा एक हिस्सा है कि वो बच्चे
जैसे हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे तो घुमंतु के ही बच्चे लगभग करीब 26 लाख बच्चे हैं, और 26 लाख बच्चे में हम ये भी देख रहे थे घुमंतु परिवारों का जो नेचर है काम का वो घूमने का है। अब घूमने के मामले में इसके मायने वो बच्चों को तो एजुकेशन एक्सेस ही नहीं हो सकती है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे जो माइग्रेंट बच्चे हैं, ये घुमंतु जो समुदाय हैं, ये जो बच्चों की शादी बालावस्था में हो जा रही है, इनके लिए एक परफेक्ट प्रोग्राम करना चाहिए और एक्शन लेकर उसके लिए तत्पर है। हम लोग सरकार के साथ मिलकर और समाज के साथ मिलकर लगातार इस पर काम करें।